इस वीडियो में करेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट मार्बल्स एट वाइट मार्बल्स एंड फोर ग्रीन मार्बल्स एक बॉक्स है एट वाइट मार्बल्स है एंड फोर ग्रीन मार्बल्स से एक मार्बल को बाहर निकाला जाता है वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस मार्बल की कौन से की फर्स्ट में क्या कहा है कि जो बाहर मार्बल निकाले वो रेड कलर का मार्बल निकले सेकंड में हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट कलर की थर्ड में हमने किसकी निकालनी है नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन कलर की हमारी मार्बल नहीं होनी चाहिए तो यहां पर देखो कैसे करेंगे सबसे पहले देखो हमारे पास कौन कौन से कलर के मार्बल है रेड व्हाइट और ग्रीन तो यहां पर लिखेंगे हम पहले देखो यहां पे क्या लिखेंगे फाइव रेड मार्बल्स है तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स रेड मार्बल्स वो कितने हैं फाइव वाइट मार्बल्स एब एट हैं तो लिखेंगे नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स वाइट मार्बल्स वो हैं हमारे पास एट उसके बाद ग्रीन मार्बल्स हमारे पास फोर हैं तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू फोर अब हमें क्या चाहिए कोई भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए होती है हमें डिनोमिनेटर में तो यहां पे क्या करेंगे टोटल मार्बल्स कितनी टोटल मार्बल्स इक्वल टू क्या हो गया 5 plus 8 plus 4, तो यहां पे ये यह कितना आ गया मेरे पास सेवनटीन तो हमारे जो बॉक्स के अंदर टोटल मार्बल्स प्रेजेंट है वो सेवनटीन मार्बल्स हैं अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे हमें रेड कलर के मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहां पे कैसे निकलेगी सबसे पहले देखो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं फाइव हैं और टोटल मार्बल्स कितने हैं सेवनटीन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिस इज द फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला यूज होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या आ गई हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी वैल्यू है रेड कलर की निकालनी है तो फाइव मार्बल्स हमारे पास प्रेजेंट है बॉक्स में और टोटल कितनी हमारे पास मार्बल्स हैं बॉक्स में सेवनटीन तो फाइव बाई क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल सेकेंड देखते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल निकालनी है तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर के मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला जरूर लिखना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अब इसको देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे नंबर ऑफ वाइट मार्बल कितनी प्रेजेंट है एट Divided by total number of outcomes कितनी है 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 हमारे हमारे पास 17 है. तो हमारे पास 17 17 तो की क्या क्या आ गई देखते हैं हमें क्या निकालना आउट करनी है अब नॉट ग्रीन कैसे फाइंड आउट होगी अगर मेरे पास ग्रीन कलर के मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो तो मैं नॉट ग्रीन के निकाल सकता हूं वन में से सब्रैक्ट करके तो यहां पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला जरूर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या आ गई हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम देखो हमारे पास क्या है ग्रीन मार्बल्स फोर हैं डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स क्या है सेवनटीन ये आ गई ग्रीन मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी तो हम यहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन फाइंड आउट करूं नॉट ग्रीन इक्वल टू क्या हो जाएगी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल तो यहां पे क्या आ गया वन माइनस फोर बाय सेवनटीन इसके अपॉन में वन मानेंगे यहां पे एलसीएम कितना आ गया सेवनटीन तो सेवनटीन माइनस फोर और सेवनटीन में से फोर गया तो कितना आ गया थर्टीन बाय सेवनटीन ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल क्वेश्चन क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए